एग्जाम्पल नंबर 11, 3√2 क्या है? 3√2 इज इरेशनल. इसको हमें प्रूफ करना है. हमें पता तो है ही कि एक इरेशनल है. क्यों? क्योंकि 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है और √2 क्या है? इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? इरेशनल ही होता है, हमने पढ़ा है. लेकिन कह रहा है कि प्रूफ करो. सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, 3√2 को हमने क्या अज्यूम कर लिया? लेट 3√2 इज व्हाट? इज रैशनल नंबर. इज रैशनल, ये क्या है? सपोज रैशनल. अगर ये रैशनल है तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो a अपॉन b के फॉर्म में. यानी कि 3√2 इज इक्वल्स टू a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड जो डिनोमिनेटर है b इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, अब मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में? जिसके ऊपर रूट टू उसको अकेला लिखो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो. मतलब यहां पर क्या करोगे, ध्यान से चेक करो. रूट टू इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. यानी कि a अपॉन 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, यानी कि 3 अपॉन b. अब ध्यान से चेक करो, a और b क्या थे? इंटीजर थे. कोई भी आप इंटीजर ले लो, a अपॉन 3 b हमेशा क्या आएगा? एक हमेशा क्या आएगा? एक रैशनल. और रूट टू क्या है? एक इरेशनल. यहाँ पे आप इफ रिजल्ट का यूज करोगे जो हमने प्रूव नहीं किया था थ्योरम 1.4 में कि रूट टू क्या है? इरेशनल. वी ऑलरेडी नो दैट रूट टू इज इरेशनल. ये तो हमको पहले से ही क्या है, पता है. तो ये पार्ट क्या हो गया? ये पार्ट हो गया आपका इरेशनल और ये क्या हो गया? रैशनल. ऐसा मैथ्स में पॉसिबल नहीं है. आप लिखोगे जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़िए. कह रहा है सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, सो a अपॉन 3b इज रैशनल. अगर ये रैशनल है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? रैशनल. ये लिखा है सो रूट टू इज रैशनल, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल. अगर रूट टू रैशनल हो जाएगा तो इस बात का अपोज करेगा कि रूट टू क्या है? इरेशनल है. इसका मतलब आर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट. तो आर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट, तो इसका मतलब कि ये हमारी अजम्पशन थी कि रूट 3√2 इज रैशनल. इसका मतलब 3√2 क्या है? इरेशनल नंबर है. समझ में आई बात?